शिक्षा हर बच्चे का जन्म से और शिक्षा से ही एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। शिक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर रहे फतेहपुर जनपद के मौहर गांव में स्थित सतीश सिंह गौर महाविद्यालय, जिसने अपने बेहतर प्रदर्शन से जनपद में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया। बेहतर वातावरण, बेहतर शिक्षण के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय जनपद में अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अपने अनुशासन और कर्तव्य परायणता के लिए भी जाना जाता है। विद्यालय के मुख्य बात पर गौर करें तो विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास पर भी पुरजोर और ध्यान देता है। बच्चों के बौद्धिक विकास और उनके लिए बेहतर प्रयास के लिए प्रतिबद्ध वहाँ की प्राचार्य ऋषि सिंह ने हमें बताया कि किस तरह बच्चों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। विभिन्न माध्यमों से समय समय पर बच्चों के अध्ययन संबंधी जानकारी लेते रहना विद्यालय की प्रमुखता है। विद्यालय में निर्धन, असहाय, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा शासन द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार दी जाती है। वहीं बच्चों को एक बेहतर शिक्षक बनाने के लिए विद्यालय परिवार सदैव प्रयासरत रहता है, जिससे हमारा समाज शिक्षित और जागरूक होकर एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। आप यहाँ पे किस पद पर कार्य करते हैं? मैं कॉलेज इंचार्ज की हैसियत से कॉलेज संभालती। अच्छा, तो मैम जैसे कि आपका जो कॉलेज है तो किस तरह से देखती हैं आपके कॉलेज जो ये विकास का क्रम है और आगे बढ़ रहा है आपका कॉलेज, तो इस क्रम के बारे में आप कुछ हमें सब बताना चाहेंगे? देखिए, जो कॉलेज जो एक संस्था होती है जहाँ पे हम बच्चों को जो एडमिशन लेते हैं तो उनका एडमिशन इस आधार पर लेते हैं कि उन्हें हम एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर कर सकें, और उनके इस अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करने में हम उनका पूर्ण रूपण, एक तो जो भी पहले ऑलरेडी वो तो यहाँ पे विकास उनका हो चुका होता है, लेकिन जो उनका आगे का नॉलेज है जो यहाँ पे वो शिक्षक बनने के लिए आए हैं, तो उस शिक्षक बनने की जो उनकी तैयारी है वो यहाँ पर हम उनके पूर्ण रूपण तरीके से उसी तरीके कराते हैं जैसे कि एक शिक्षक को होना चाहिए। तो इस दरमियान किस तरह की कठिनाइयां आप सामना करते हैं बच्चों को डेवलप करने के लिए? अब इस दरमियान जैसे बच्चे हैं, बच्चों की रेगुलरिटी मॉर्निंग में उनको आने में टाइमली प्रॉब्लम होना, क्योंकि अब बड़े बच्चे हैं, ज्यादा कुछ कहेंगे जवाब सवाल करते हैं कि इस टाइम नहीं वैसे आ पाएंगे या ऐसे, तो बच्चों को देखिए समझाना पड़ता है कि अगर कल को आप किसी विद्यालय में टीचर बन के जाएंगे और अगर आपका रूटीन ही नहीं सही होगा वहां पर, अगर एक टीचर लेट आएगा तो बच्चे क्या वहां पर टाइमली आ पाएंगे। बच्चों को समझाने के जो तरीके हैं उन तरीकों पर हमको ध्यान देना चाहिए, तभी हम बच्चों के साथ मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज के दौर में आपका जो कॉलेज है निश्चित तौर पर सफलता की नई बुनियाद बुलंदियों को चुन रहा है, तो उसके उस लिए जो आप लोग जो मेहनत करते हैं वो किस तरह की मेहनत होती है बच्चों को और किस तरह से आप उनका बौद्धिक विकास करते हैं पढ़ाई? देखिए, बच्चा आया है यहाँ पर हमारे पास में पढ़ने के लिए, जब वो एडमिशन लेता है तब तो उसको सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के बारे में बच्चे के पास में जो भी इमेज बने बच्चे के दिमाग में और उसके पेरेंट्स के दिमाग में वो एक अच्छी इमेज बने, और उस इमेज को बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास करते हैं। सुबह 9:30 बजे से कॉलेज स्टार्ट होता है और शाम को 3:30 बजे तक कॉलेज की टाइमिंग है। इसके बाद में मॉर्निंग में प्रेयर टाइम, फिर उसके बाद उसकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, सुबह से शाम तक उनके हर सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं और हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टीचर उनको जाकर क्लास में पढ़ाता है, जिसके बाद में हम उनका टाइम टू टाइम यूनिट टेस्ट वगैरह है वो लेते हैं, उनका स्कोर बोर्ड नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं ताकि वो अपनी कमियों को देख सकें और एग्जाम के पहले उन गलतियों में सुधार कर सकें, और जहां पर जरूरत है तो हम अपने टीचर को भी उनमें सुधार करने की। तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के विकास को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है आपका विद्यालय परिवार, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस बार का जो औसतन आपका परसेंटेज था शिक्षा को लेके वो कितना था और किस तरह बच्चों ने? देखिए, जो हमारे पास में जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है उसमें 95% स्टूडेंट जो हैं वो फुली क्वालिफाइड हैं, मतलब जिन्होंने एग्जाम पास किया हुआ है, और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में जो एग्जाम्स दिए हैं उसमें 92% स्टूडेंट पास। बच्चों के विकास में सबसे अहम योगदान कहीं ना कहीं शिक्षा का होता है, और इस दौरान कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतनी मोटी रकम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए जो एक विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं जो जिनको क्या SC ST के बच्चे होते हैं, उनके लिए आपका विद्यालय किस तरह से सुविधाएं देता है? सर देखिए, बच्चों की फीस जो होती है, अब कॉलेज है तो कॉलेज बच्चों की फीस से चलेगा, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि फीस तो ठीक। अंजलि जी, जैसे कि सभी ने कहा कि ये संस्थान शिक्षा के लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से शिक्षा यहाँ टीचरों के द्वारा दी जाती है, चाहे वो आपके PM सर हो, मैम हो, टीचर्स हो, किस तरह का कोऑपरेशन रहता है बच्चों के प्रति? किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, अगर कमी भी रहती है तो मैम लोग ऐसा वो
करती है कि कमी बिल्कुल बच्चों पे रहे ना, वो पूरी हो जाती है। अच्छा, जैसे कि देखा गया है स्पेशली गर्ल्स को आगे बढ़ने के मौके बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ ये जो संस्थान है आपका, वो किस तरह से एजुकेशन को प्रोवाइड आपको कराता है, चाहे वो शुल्क की बात हो? देखो, जहाँ पे ऐसा होता है वो तो फैमिली से होता है कि अगर गर्ल्स आगे नहीं पढ़ेंगे तो वो तो फैमिली का सपोर्ट जिसमें नहीं रहेगा तभी गर्ल्स आगे नहीं बढ़ सकती। और यहाँ पे इस कॉलेज में तो ऐसा ही है कि मैम लोगों का बहुत सपोर्ट करती है। और यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली गर्ल्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? यही कहेंगे कि अपने सपने पूरे करो और जो तुम बनना चाहती हो वो करो। चलिए हमसे बात करेंगे। दीपाली जी, आपने किस सेमेस्टर में टॉप करा है? हमने बीटेक का सेमेस्टर में टॉप किया। आपके कितने परसेंट अंक आपने परीक्षा में अर्जित किए? 91%। आप इस कामयाबी को किस तरह देखती हैं? कामयाबी हमें स्कूल की ओर से मिली है, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पे सब मैम लोग हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और इस जो आपने टॉप करा है तो इसमें आपने कहा कि मैम आपका बहुत सपोर्ट करती हैं, तो यहाँ के टीचर्स हो, एजुकेशन का सिस्टम है, तो किस तरह से देखते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार बेहतर किस तरह किया जा सकता है? कमियां मेरी नज़र में कोई नहीं है, और मतलब कोई भी मैम हो या टीचर हो तो लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़कियों को यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को सुना जाता है, उसका सलूशन निकाला जाता है। तो ये आपने कहा कि यहाँ पे मोस्टली एक, और उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट संस्थान है पूरे एरिया में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो कॉलेज है वहाँ पे, यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, आपको लगता है ये सुविधाएं नहीं है यहाँ? सारी सुविधाएं और किस तरह से देखती हैं आप इस कामयाबी को और आगे आपके क्या प्लान है? चलिए हमसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज्योत्ना अवस्थी है। ज्योत्ना जी, आपने किस सेमेस्टर में टॉप करा है? और जी, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया। कितने परसेंट अंक आपने अर्जित किए? सेकंड सेमेस्टर में 90% नंबर। आपको और क्या क्या लगता है और बेहतर क्या आप किस तरह करना चाहेंगे, आपके और आगे के ड्रीम्स क्या है? ड्रीम्स तो मेरा टीचर बनना ही है, और ये सच्ची कॉलेज बहुत ही अच्छा है, यहाँ के टीचर फैकल्टी के द्वारा हम बेटी सीखा था, और मोस्टली यहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन का ध्यान दिया जाता है क्योंकि हमारे जो गांव का एरिया है यहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन बहुत ही वीक है, तो ये कॉलेज हमारे गर्ल्स के एजुकेशन हमें गर्ल्स को मोटिवेट करता है तथा गर्ल्स एजुकेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आपने कहा कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप टीचर बनते हैं, आपके ड्रीम्स कहती है आप टीचर बनना चाहते हैं, तो और किस तरह से बेहतर ये संस्थान या और बेहतर किस तरह से मोस्टली गर्ल्स एजुकेशन को लेकर और क्या क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले है कि अगर गार्जियंस जागरूक तो गर्ल्स के एजुकेशन को बेटर बनाया जा सकता है, तो पहले जाके हर गार्जियंस को समझाना चाहिए घर में जाके कि गर्ल्स को पढ़ाएं, वो भी गर्ल्स पे कुछ कर सकती है, आजकल पुरुषों से कम नहीं बराबर की टक्कर दे रही है। और आप SSC कॉलेज में क्या खामियां आपको लगती हैं कि हाँ इस कॉलेज में ये खामियां हैं, आप किस तरह से उनको देखती हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आप यूथ को? कमियां तो कुछ नहीं है, और जो भी कमियां होती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्रिंसिपल मैम या फिर PM सर से हम लोग डिस्कस करते हैं, तो तुरंत उसको दूर भी करते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो SSC कॉलेज है ये PTC या फिर किसी भी प्रकार के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा। थैंक यू, आपसे बात करने के लिए। देखते हैं और आगे के आपके क्या प्लान है कि और बेहतर कर सकते हैं शिक्षा को आगे? अभी हमारे पास में
आपको पता होगा कि दो कोर्सेज चल रहे हैं, दोनों कोर्स एक बीएड और दूसरा डीएलएड। नेक्स्ट में हम अपने महाविद्यालय में बीए बीएससी का जो कोर्स है वो लाने की तैयारी में है, और उसमें हमने जो एजेंडा रखा है वो मेनली गर्ल्स के लिए रखा है, क्योंकि गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है दूर दराज में जाने में, कभी कभी पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो पास में ही कॉलेज है और पास में हमारे काफी सारे एरियाज हैं जहां से हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे और गर्ल्स हैं। तो नेक्स्ट में हम बीए बीएससी का इसमें ओपन करने जा रहे हैं, जिनका सेशन नेक्स्ट है। आने वाले दौर में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, हर दूसरा व्यक्ति सोचता है कि वह एक विद्यालय खोल ले जिससे वो शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में व्यवसायीकरण शिक्षा का करता है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रतिस्पर्धा का दौर है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि किसी को पीछे गिरा कर आगे बढ़ने से नहीं। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत पर, अपने दम पर और अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ें। अगर हम बच्चों के साथ में मेहनत करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे जो परिणाम है उसमें दिखेगी, और उस चीज को बच्चा अच्छे से समझता है और बच्चे वहीं पर एडमिशन्स लेने के लिए जागरूक होंगे रहेंगे जहां पर एक अच्छा रिजल्ट और अच्छा परिणाम उनको मिलता है। नव शिक्षार्थियों या नए बच्चों जो अब आने वाले हैं सेशन है, उसके लिए नव बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं नए बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप SSG महाविद्यालय में आइए, एडमिशन लीजिए, आपको एक बेहतर भविष्य की ओर हम अग्रसर करने के लिए सुनिश्चित करेंगे, और उसके लिए हमारे से जो भी मेहनत हो सकती है आपके साथ में वो हम आपका सहयोग भी करेंगे और आपके साथ में मेहनत। जो ST ST के बच्चे हैं उनके विकास के लिए, उनके लिए आपका विद्यालय किस प्रकार से सहयोग कर रहा है? सर, जो ST ST बच्चे हमारे पास में पढ़ रहे हैं, अगर उनका टाइमली फीस जमा करने में उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है और हमको ये पता लगता है, उन्होंने बताया आके कि हमको इस तरीके से समस्या है या एक टाइम है कि हम इस टाइम तक दे सकते हैं, तो हम उनको टाइम उनको प्रोवाइड करते हैं और उनके ऊपर फीस लेने के लिए जबरदस्ती किसी तरीके का प्रेशर नहीं करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका अभी तक एक भी फीस नहीं जमा हुआ है, अब उनके घर में प्रॉब्लम है, उनके भाई की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो उस वजह से वो बच्ची फीस नहीं जमा कर पाई, बट हमारे पास में वो रेगुलर क्लास करने के लिए आती है। भविष्य में उसने बोला है कि हमारे पास जब भी होगा हम आपको पेड कर देंगे, तो हम आशा करते हैं कि वो हमारे पास से जाकर एक अच्छी जॉब करे और फीस हो तो अपना वो करे, अदरवाइज कोई हमको इतना नहीं है, हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शिक्षा की सब बढ़ने उस पर। अच्छा, इस दौरान जैसे बच्चों की बुक्स को लेके और बच्चों के विकास के लिए बुक्स एक अहम योगदान देती हैं, तो आपके विद्यालय में लाइब्रेरी तो और सरकार भी आजकल इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रही है, तो लाइब्रेरी की क्या क्या सुविधाएं और किस तरह से आप बच्चों को लाइब्रेरी और अन्य चीज़ों से रूबरू करवाते हैं, उनका मार्गदर्शन? सर, हमारे पास में लाइब्रेरी में लगभग 3,000 से 3,500 बुक्स हैं BTC की मिला के और BEd की दोनों की, और बच्चों के लिए हम लोगों ने लाइब्रेरी को खुला कर रखा है, बच्चे अपना आएं, बुक्स इशू करवाएं कॉलेज में लाइब्रेरियन से, और एक बुक उनको 10 दिन के लिए इशू होती है, अगर वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पाए हैं तो दोबारा से उस बुक को 10 दिन के बाद में या 10वें दिन रिन्यू करा लें और उसको पढ़कर फिर वापस से लाइब्रेरी में जमा करवा दें। इस दौरान जैसे कि आपने बताया आप इतना सा मेहनत कर, शिक्षकों का क्या योगदान रहता है, शिक्षक किस तरह से बच्चों के साथ आपका कोऑपरेशन करते हैं उस संबंध में? सर, शिक्षक के बिना तो शिक्षा ही अधूरी है। अब आपके 3 पायदान हो गए हैं शिक्षा में, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम, अगर इनमें से तीनों में से कोई एक मिसिंग होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो शिक्षक एक अहम कड़ी है, शिक्षक होगा तभी बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी, और हमारे महाविद्यालय के जो भी शिक्षक गण हैं वो भी इसमें मेरे साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, और बच्चों में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है उसको करने में वो कहीं भी कोताही नहीं बरतते हैं। आज के दौर में आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, और आगे के क्या आपके प्लान है, आगे आप किस तरह और शिक्षा को बेहतर करते हुए और क्या करना चाहेंगे? सर, आगे की शिक्षा को बेहतर करते हुए हम चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट होकर जाएं वो एक अच्छे उस पे पास आउट हूँ। और TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर।